इंग्लैंड में भारत के चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से रन निकलना जारी है। काउंटी चैंपियनशिप में कई शानदार पारियां खेलने के बाद अब पुजारा ने रॉयल लंदन कप में भी अपना फॉर्म को जारी रखा है। शुक्रवार को वार्विक शायर और सेसेक्स के बीच खेला गया मैच में पुजारा ने सेसेक्स से खेलते हुए 79 गेंदों में 107 रन की पारी खेल डाली। पुजारा ने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 135 का रहा। हालांकि इसके बावजूद उनकी टीम मैच जीतने में कामयाब नहीं रही। वार्विक शायर ने सेसेक्स को 4 रन से हरा दिया। पुजारा इस मैच में ससेक्स की कप्तानी भी कर रहे थे। रॉयल लंदन कप में शुक्रवार को वार्विक शायर के कप्तान रोड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रॉबर्ट एट्स के 114 रन और कप्तान के 76 रन की पारी की बदौलत वार्विक शायर 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 310 रन बनाए। वार्विक शायर से खेल रहे भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पांड्या खाता भी नहीं खोल सके। 311 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ससेक्स की टीम की शुरुआत खराब रही। हैरिसन वार्ड 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद एलेस्टर और टॉम क्लार्क ने दूसरे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी निभाई और 81 रन बनाकर आउट हो गए। वही क्लार्क 30 रन बना सके। इसके बाद कप्तान पुजारा ने पारी संभाली और अपने दम पर ससेक्स को लक्ष्य के करीब ले गए। इसके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। इस दौरान पुजारा ने चौके छक्के की बरसात कर दी। आखिरी 6 ओवर में ससेक्स को जीत के लिए 70 रन की जरूरत थी जबकि उनके 4 विकेट बचे थे। ऐसे में कप्तान पुजारा ने जिम्मेदारी उठाई और 45 ओवर में 22 रन बटोरे। उन्होंने लियम नॉर्वेल के इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा 2 बार 2 रन भी भागे। इसके बाद पुजारा ने 73 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। आखिरी 3 ओवर में ससेक्स को जीतने के लिए 31 रन चाहिए था पर 49वें ओवर में हैनन डेल्वी ने पुजारा को बोल कर दिया और साथ ही ससेक्स की जीत की उम्मीद पर भी पानी फिर गया। 50वें ओवर में ससेक्स को जीत के लिए 12 रन चाहिए था लेकिन टीम 7 रन ही बना सकी और वार्विक शायर ने यह मैच 4 रन से जीत लिया। पुजारा की 79 गेंद पर 107 रन की पारी बेकार गई।